हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। अपन ना अब मेटाबॉलिज्म अपन ने स्टार्ट कर दिया है, तो मेटाबॉलिज्म में तो अपने को सारी साइकिल्स बननी है, कैसे बन रहा है, कैसे टूट रहा है, ठीक है। ग्लूकोज, इसमें एक और साइकिल होती है यार, उस साइकिल का नाम है रैपापोर्ट लेवरविंग साइकिल, ठीक है। रैपापोर्ट लेवरविंग साइकिल में क्या होता है यार, इसको अपन एक और नाम देते हैं बीपीजी संट, ठीक है। वैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है इतना, बट फिर भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि जो मेनली वर्क करता है ना, वो करता है आरबीसी के अंदर। मतलब कि ये साइकिल होती है ना, ये साइकिल पूरी आरबीसी के अंदर चलती है, ठीक है। रैपापोर्ट लेवरविंग साइकिल, ठीक है, इसको अपन बीपीजी संट बोलते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया है, अब इसके बाद अपन इसकी नॉर्मल बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है यार, इसकी मैं ना कुछ चीजें ना आपको ना साइकिल से समझाऊंगा और कुछ चीजें ना यहीं से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे तो नॉर्मल ये दे रखा है मैंने, यही लिख रखा है कि कैसे इसकी जो स्टेप्स होती हैं वो डाइवर्स होती हैं, ठीक है, और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक। और यहाँ पे मैं आपको इसके सिग्निफिकेंट्स बताना चाहूंगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट्स बताऊंगा पहले, ठीक है। तो पहला सिग्निफिकेंट क्या होता है, जो 2-3 BPG होता है ना यार, ये क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन रहता है ना अपना, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो उसकी एफिनिटी रहती है ना, ऐसे मान के चलो कि ए मेरा है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर इससे बीपीजी, ए मेरा बीपीजी, अगर ये बीपीजी आके ऐसे जुड़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इससे नहीं जुड़ पा रही, यहाँ पे दिख रहा है ना ऐसे, तो मतलब इसकी ऑक्सीजन की एफिनिटी इस हीमोग्लोबिन के लिए ना कम हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है यार, अगर इसकी एफिनिटी अगर कम हो गई तो क्या होगा, अगर कोई हाइपोक्सिक पेशेंट है, ठीक है, हाइपोक्सिक मतलब कि जहाँ पे कि सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, प्रेशर ठीक ठाक नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि जो टिश्यू होता है ना, तो टिश्यू में जो डिलीवरी होती है ऑक्सीजन की ना, तो वहाँ पे आसानी से हो सकती है। कैसे कि अगर मान के चलो कि अगर कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से अच्छे से मतलब टाइटली अटैच हो गया, हाईली एफिनिटी है अगर वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, तो वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं हीमोग्लोबिन, तो टिश्यू यूज कैसे करेगा ऑक्सीजन का। तो अगर वहाँ पे एफिनिटी कम हो जाती है तो वहाँ पे वो इजीली ऑक्सीजन को छोड़ सकता है टिश्यू में। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ना कि जो ऑक्सीजन का यूज होता है बढ़ जाता है, ठीक है। वैसे ही तो कम ऑक्सीजन रहती है हाइपोक्सिक कंडीशन में, ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डिलीवरी ना फास्ट करवानी पड़ती है अपने को, और फास्ट करने के लिए ना हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन जल्दी छोड़नी पड़ेगी, और जल्दी छोड़ने के लिए ना उसकी एफिनिटी कम होनी चाहिए हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है। अगर वहाँ पे एफिनिटी कम होती है तो वो किस वजह से होती है, 2-3 BPG, ठीक है, बाई फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है, इतना समझ आता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि प्रेजेंस ऑफ 2-3 BPG के क्या होता है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो अनलोड हो जाता है मोर इजिली इन टिश्यू, ठीक है। अंडर द हाइपोक्सिक कंडीशन 2-3 BPG कंसनट्रेशन इन आरबीसी इंक्रीज, क्या होता है कि जो भी हाइपोक्सिक मतलब कि कोई भी अगर हाई एटीट्यूड पे जाता है तो हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो कंसंट्रेशन रहता है ना 2-3 BPG का, वो इंक्रीज हो जाता है आरबीसी के अंदर। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी को बनाया ही ऐसा गया है कि इसमें ना पूरे ना कहीं से मेंटेनेंस होना चाहिए, है ना कहीं से मेंटेनेंस होना चाहिए कि हाँ यार, कि अपनी बॉडी मतलब कि सर्वाइव कर सके, ठीक है। एडेप्टेशन बनाए गए हैं बहुत सारे, तो ये टाइप का एडेप्टेशन ही मान लो कि कैसे होता है कि हाइपोक्सिक कंडीशन में जाने के बाद 2-3 BPG का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है तुमको यूनिवर्सिटी में कि कब मतलब 2-3 BPG का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वो अपना तभी होता है हाइपोक्सिक कंडीशन में, ठीक है। और क्या होता है, जैसे जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे ना, उनमें 2-3 BPG का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो मतलब कि सप्लाई होती है ना टिश्यू के लिए वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ये 2-3 BPG या फिर BPG इंक्रीज फीटल सर्कुलेशन आता होगा, ये तो मैंने बता दिया। 2-3 BPG संट जो पाथवे है ना, ठीक है, इसमें कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी इस वाले में, ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अपन ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ ली है, अपने को पता है कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे होता है, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिए जो अपनी स्टेप है ना 1-3 BPG वाली, ठीक है, इस स्टेप से क्या होता है कि आरबीसी के अंदर ना डाइवर्जेंस आ जाते हैं। जो डाइवर्जन आता है उसमें क्या होता है कि जो अपना एंजाइम है, ठीक है, 2-3 BPG म्यूटेस एंड 2-3 BPG, ठीक है, ये दोनों एंजाइम है ना, ठीक है,
ये दोनों एक ही एंजाइम है, बट एक एंजाइम की टू डिफरेंट साइड है, एक को अपन ने म्यूटेज बोल रखा है और दूसरे को अपन ने फॉस्फेटेज बोल रखा है, ठीक है। मतलब कि ये एंजाइम अपना बाईफंक्शनल एंजाइम, मतलब दो फंक्शन कर सकता है, ठीक है। तो जो इसका जो पहला म्यूटेज वाला एंजाइम है ना, वो क्या करवाता है, जो बन थ्री बाईफॉस्फोग्लिसरेट होता है ना, उसको 2,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे बन था, यहाँ पे टू, मतलब कि म्यूटेज मतलब म्यूटेट करवा रहा है। जो यहाँ पे कार्बन नंबर फर्स्ट पे था वो टू पे पहुंच जाएगा सेकंड पे, म्यूटेशन आ गया और यहाँ पे अपना 2BPG का फॉर्मेशन हो गया। इसी को बोलेंगे 2,3-BPG, ठीक है, बाई फॉस्फोग्लिसरेट। इतना समझ आता है। फिर इसके बाद क्या होगा कि जो यहाँ पे फॉस्फेटेज एंजाइम है वो क्या करेगा, यहाँ से एक फॉस्फेट एटम को रिमूव कर देगा। जब एक फॉस्फेट एटम को वो रिमूव कर देगा तो एक फॉस्फेट बचेगा। यहाँ पे अपना जो पहला फॉस्फेट था, जो फर्स्ट पोजीशन में फॉस्फेट था, वो सेकंड पे आया और सेकंड के बाद वो रिमूव हो गया। और जो थर्ड पोजीशन का फॉस्फेट था वो बाकी एज इट इज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया अपना 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, जो कि अपना नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस का पार्ट था, ठीक है। इतना समझ आता है। अगर ग्लाइकोलिसिस होती है तो ये वाली स्टेप फॉलो होती है और यहाँ पे ATP का ना प्रोडक्शन होता है। बट अगर RBC के अंदर ग्लाइकोलिसिस चल रही है तो वहाँ पे 2,3-BPG का यहाँ पे डाइवर्जन हो जाता है और 2,3-फॉस्फोग्लिसरेट बना लेता है यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ आता है। और बाद में अपना 5-बेट का फॉर्मेशन हो जाता है। जो वहाँ जो आप नॉर्मल डेफिनेशन लिखोगे ना, उसमें आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट से 2,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे अपना 2,3-बाईफॉस्फो, ठीक है, बाईफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज का यूज हो रहा है। और यहाँ से जब ये बन रहा है अपना 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो यहाँ 2,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेटेज का यूज हो रहा है। ये सब आप लिख सकते हो नॉर्मल इंट्रोडक्शन में। आप लिख सकते हो कि यहाँ पे अपना RBC के अंदर होती है, ठीक है। अगर यार एक बात आप नॉर्मली देखो, इसको अगर रेगुलेट करना हो अपने को, ठीक है, इसके रेगुलेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान के चलो कि अपना जो हेक्सोकाइनेस एंजाइम होता है, ठीक है, अगर हेक्सोकाइनेस एंजाइम, ठीक है, हेक्सोकाइनेस एंजाइम अगर अपने पास काफी अमाउंट में है तो क्या होगा इससे। अगर अपने पास हेक्सोकाइनेस एंजाइम काफी अमाउंट में, तो इससे ये होगा कि ग्लूकोज होगा वो फर्दर दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। अगर वो दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा तो इस स्टेप पे आने के चांसेस ज्यादा होंगे, ज्यादा प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ पर 2,3-BPG का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पाइरूवेट काइनेज की, ठीक है, मैं नॉर्मली यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ पाइरूवेट काइनेज की, अगर यहाँ पे पाइरूवेट काइनेज कम होगा, क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट आके रुक जाएगा, ठीक है, जो उसकी लास्ट स्टेप रहेगी, ठीक है, वहाँ पे आप प्रोडक्ट आके रुक जाएगा, तो वहाँ पे वो रिवर्स ऑफ ग्लूकोलिसिस करके भी वो 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट तक पहुँच सकता है। इस वजह से फिर से 2,3-BPG का यहाँ पे कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर बट अगर मैं यहाँ पे इसका रिवर्स कर दूँ कि हेक्सोकाइनेस को कम कर दूँ, तो क्या होगा कि इसके प्रोडक्ट्स भी कम करेंगे बनेंगे, तो क्या होगा 2,3-BPG का फॉर्मेशन भी कम होगा, ठीक है। और अगर मान के चलो कि अगर पाइरूवेट काइनेज को ना मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, अगर पाइरूवेट काइनेज एंजाइम का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, तो क्या होगा, जितना भी यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा ना, वो सारा का सारा अपना पाइरूवेट बना देगा। अगर पाइरूवेट बन जाएगा तो या तो वो लैक्टेट बन जाएगा, या तो वो अपना TCA साइकिल में चला जाएगा और वहां से वो लौट के आने वाला नहीं है, ठीक है, वैसे नॉर्मली नहीं आएगा। बट लेकिन बहुत सारी कंडीशन होती हैं जब अपनी TCA साइकिल से भी अपना बाद में पाइरूवेट बनता है और वापस रिवर्स ग्लाइकोलिसिस होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जरूरत पड़ती है सिर्फ एक्स्ट्रा फैट, मतलब एक्स्ट्रा फैट है या तो फिर अपना ग्लूकोज है, ठीक है, अपने को बॉडी में स्टोर करना है, ठीक है, एनर्जी नहीं चाहिए, तो वहाँ से वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको रेगुलेशन भी बता दिया थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, मैंने इसकी साइकिल भी बता दी आपको, ठीक है, और यही लिख रखा है मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी जो मैंने आपको वहाँ बताया है। ये इसका सिग्निफिकेंट हो गया, सिग्निफिकेंट भी बता दिया। ये फिजियोलॉजी में भी आता है, साइकिल नहीं आती बट 2,3-BPG का यूज़ वगैरह रहता है। इसके वहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट होते हैं, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन विदाउट 2,3-BPG, ऑक्सीजन विद 2,3-BPG, ठीक है, ये सब चीज़ें। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा।
अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी चैनल को लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जितना हो सकता है, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करो, उनको भी बताओ कि हाँ कोई ग्रुप है जिसपे बायोसी को सर पढ़ाते हैं, नोट्स वगैरह भी देते हैं, हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल है अगर समझ में आता है तो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आता ही होगा क्योंकि मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, है ना, जीरो से स्टार्ट करवाता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि सब हवा में उड़ा दिया। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ो यार, बढ़िया इन्जॉय भी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।